हाय गाइस, यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ उड़द की काली दाल। ये वही काली दाल है जो मैंने एक वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर की थी। मेरी मम्मी जी जो हैं वो दल रही थी चक्की में, ये वही वाली काली दाल है। तो मैंने सोचा आज मैं इसको बना के देखती हूँ कैसी बनती है। तो मैंने उसको धो के कुकर में डाल दिया, उसके अंदर मैंने पानी डाल दिया। उसको मैं रख दूँगी गैस पर बॉयल होने के लिए, उसके बाद उसमें लगाऊँगी तड़का। और इसमें डाल दिया है मैंने नमक, और ये है गुड़, ये गाँव का गुड़ है। और अभी जो है हम सर्दियों में जो है दूध में गुड़ ही डाल के दूध को पीते हैं, चीनी नहीं मिलाते हैं, गुड़ मिला के ही दूध पीते हैं, वो बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए। तो ये देखिए मैं दूध गर्म कर रही थी तो मैंने उसके अंदर गुड़ डाला है, और गुड़ जो है अच्छा होता है सर्दियों में, तो लेना ही चाहिए सबको। तो ये मैं गाँव से लेके आई थी अभी, तो यही हम इसमें डाल के और दूध गर्म करके पियेंगे। अभी जो सुबह का टाइम है, हमारे यहाँ पे चाय नहीं बनती है, मैं चाय नहीं बनाती हूँ, हम जो है दूध ही पीते हैं, क्योंकि चाय जो है बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। और हम चाय पियेंगे तो बच्चे भी जो है चाय ही लेंगे, तो इससे तो अच्छा है वो दूध पिए, हम भी दूध ही पिए। तो बस मैं इसको अच्छे से गर्म कर लूँगी और गुड़ को जो है दूध में अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और फिर उसको निकाल लूँगी गिलास में। तो देखिए दूध गर्म हो चुका है, चलिए मैं इसको गिलास में निकाल लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दूध को जो है मैं गिलास में निकाल रही हूँ, और मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ ये भी, तो इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये देखिए मेरा बेटा इधर सो रहा है, आपको खर्राटे की आवाज़ आ रही होगी, तो इधर सो रहा है मेरा बेटा। तो मैंने गिलास निकाल लिया, मतलब दूध निकाल लिया था गिलास में, और अभी मैंने चढ़ा दिया गैस पे कढ़ाई। कढ़ाई के अंदर डाला है मैंने सरसों का तेल, तेल के अंदर डाला है मैंने ज़ीरा, और ज़ीरे के चटकने के बाद मैंने डाल दिया लहसुन बारीक बारीक कटा हुआ, क्योंकि मैं बनाने जा रही हूँ वो दाल जो है उसको तड़का देने जा रही हूँ। दाल बॉयल हो चुकी है मेरी, तो मैं लहसुन को अच्छे से रेड होने दूँगी। तो लहसुन जैसे ही रेड हो जाएगा मैं उसमें डाल दूँगी टमाटर, और टमाटर गोभी मैं अच्छे से पका लूँगी ताकि कच्चा ना रहे। तो ये देखिए टमाटर हमारा अच्छे से पक रहा है, तो उसके अंदर डाला है मैंने रेड चिली पाउडर, और थोड़ा सा डालूँगी मैं हल्दी पाउडर, मतलब जितना हमें चाहिए, 1/4 चम्मच। उसके बाद डालूँगी नमक, तो मैं ऑलरेडी दाल के अंदर जो है डाल चुकी हूँ, तो नमक मैं नहीं डालूँगी। तो यहाँ पे डाल दिया है मैंने धनिया पाउडर, और अभी इन मैंने मसालों को इन सब को मिक्स कर दिया है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से। गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो ये देखिए जो दाल है उसको मैं डाल दूँगी कढ़ाई के अंदर, अब पूरी दाल को डाल दूँगी। ये देखिए, और दाल बहुत अच्छे से बन गई है। ये घर की दाल है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगी थी गाइस। और ये कल का वीडियो है, मैं आज एडिट करके डाल रही हूँ क्योंकि कल टाइम नहीं मिला था मुझे। तो ये देखिए दाल बन के तैयार है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब लोग? बाहर से आवाज़ आएगी ना, इसके चक्कर में मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ, मैं क्या करूँ। मैं सोचती हूँ देखो वो घर बन रहा है ना, तो उसी की आवाज़ें आ रही है, अब मैं क्या करूँ। इसके चलते वीडियो मेरी दो दो तीन तीन दिन बाद बन रही है, बट मैं नहीं चाहती कि मेरी वीडियो लेट हो। मैं सोचती हूँ जल्दी चाहे मेरी वीडियो, मैं जल्दी वीडियो बनाऊँ, इसकी वजह से लेट हो जाती हूँ। ये लोग खटपट पट 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 करते रहते हैं, बट मैं क्या कर सकती हूँ। तो आज जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, मतलब आज मैंने अपनी ये बैंगल्स चूड़ियाँ वगैरह निकाल के रखी हैं, क्योंकि ये मुझे सेट करनी है। क्योंकि क्या होता है ना कि मैं 2-3 बार गांव चली गई हूँ, पहनती हूँ आती हूँ निकाल के ऐसे ही रख देती हूँ, और वो इधर उधर हो गई है सारी। तो उनको मुझे अब जो है मिला के अच्छे से रखना है ताकि वो ख़राब ना हो, नहीं तो चूड़ियाँ हमारी बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। जैसे कि ये हैं, अगर हम इनको ऐसे ही डाल देंगे तो इनकी शाइनिंग चली जाएगी, और फिर बाद में ये कड़े अच्छे नहीं लगेंगे। तो ये एक है बाहर, और बाकी पता नहीं कहाँ है, मुझे देखने पड़ेंगे। तो मैं उनको सेट करती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, बताती हूँ कि मेरे पास कौन कौन से बैंगल कलेक्शन है। बैंगल कलेक्शन, चूड़ियों का कलेक्शन मतलब। अगर गाइस मेरे मुंह से कुछ उल्टा पुल्टा निकले तो माइंड मत करना, क्योंकि मैं कभी कभी बोल देती हूँ ऐसा, मैं बहुत जल्दी जल्दी बोलती हूँ तो कुछ गड़बड़ हो जाता है, तो प्लीज़ माफ़ करना, सॉरी। तो चलिए चलते हैं
मैं अपने काम पे लग जाती हूँ। बेबी मेरा सो चुका है, यहीं पे सो रहा है, उसके सोने के बाद ही ये काम होता है, नहीं तो वो सारा इधर उधर कर देगा। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। पहले मैं सबसे पहले देखिए, एक डब्बा ये है, इस पर धूल हो गई है क्योंकि बाहर रखे रहते हैं ना ऐसे, तो ये डब्बा है, इसके अंदर भी मैं मेरी चूड़ियाँ ही रखती हूँ। तो आपको दिखाती हूँ मैं, अब आपको कितनी मैसी हो गई, ये देखिए कुछ इसके अंदर है, कुछ मैंने निकाल के दूसरे वाले बॉक्स में रख दिया है, तो बस ऐसे ही चलता है। और ये देखिए रबड़ है कुछ फैंसी, मतलब मेरी बहन है ना छोटी, वो मुझे ये सब लेके देती है। और इसमें रिंग भी पड़ा हुआ है, देखो ये सब जो है वही देती है मुझे। और क्लिप देखो, ये भी मुझे उसी ने दिया था, इसी में पड़ा हुआ है मेरा। और देखो ये रही एक रिंग, और ये मैं वही पहनती हूँ, वो मुझे देती रहती है ये सब। देखिए मैं आपको बैंगल्स दिखाती हूँ, ये बैंगल्स मेरे काफ़ी पुराने हैं, मेरे बेबी को आवाज़ जाएगी, धीरे धीरे काम करती हूँ। तो देखिए ये बैंगल्स जो है बहुत ही अच्छे लगे मुझे, बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने ये चार हैं, चार और लिए थे, वो मैंने पहन चुकी हूँ मैं उनको, और ये मैंने अभी रखे हुए हैं कि कभी और मतलब मैं पहन लूँगी। तो ये और ये बहुत अच्छे हैं, और ये सिर्फ मुझे 50 रुपये के मिले थे, ये देखिए। तो एक बैंगल्स मेरे ये हो गए हैं, और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। जो मैं आप लोगों को बोल रही थी, ये मिल गए हैं, तीन है ये और एक ये चार, ये तो तीन रखे हुए थे बॉक्स के अंदर, और ये चौथा जो है ये फोर वाला पता नहीं कहाँ गुम था। तो ये देखिए ये वाले बैंगल्स जो है मुझे बहुत पसंद है मेरे, ये देखिए इसमें इनके अंदर जो मोतियों का काम हुआ है मोतियों का काम, सॉरी मैं बहुत ज़्यादा अटक रही हूँ, सॉरी। तो ये मोती जो है इसके अंदर लगे हुए, ये बहुत ज़्यादा अच्छा लुक देते हैं इसमें, और मुझे काफ़ी पसंद है ये, और एकदम हल्के हैं, ऐसे लगे हैं कितने भारी लेकिन बहुत हल्के हैं। तो दूसरा जोड़ी बैंगल ये है मेरा, और तीसरा भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तीसरा है ये, इसका जो है नग निकल चुका है, ये 2-2.5 साल पुराने हैं, 2-2.5 साल हो गए इनको, ये तब के हैं, कभी कभी मन करता है तो पहन लेते हैं, ऐसे रखा हुआ है देखिए। तो ये भी काफी पसंद है मुझे, ये भी काफी हल्के हैं। और ट्रेन आ गई गाइस, अब मैं दिखाती हूँ मेरा जो पिछले साल वाला जो करवा चौथ था, उसमें मैंने ये बैंगल्स लिए थे, जी देखिए ये बहुत भारी होते हैं, ये इस तरह के होते हैं ना, ये वाले लोहे के होते हैं, पता नहीं किस चीज़ के होते हैं, ये वाले जो हैं ये बहुत ज़्यादा भारी है, ये देखिए, लेकिन देखने में ये बहुत खूबसूरत है, थोड़ा हैवी है बट ये बहुत सुंदर लगते हैं मुझे, रेड कलर है। तो ये मैंने रखे हुए हैं, इनको मैं कभी पार्टी वगैरह या शादी या गाँव में जाती हूँ तो कभी पहन लेती हूँ, ऐसे डेली बेस में मैं इनको नहीं पहनती हूँ। और एक बैंगल्स हैं मेरे ये बैंगल्स कैसे लगे आपको, ये मुझे ये बैंगल्स मेरे फेवरेट बैंगल्स हैं, तो ये मुझे बहुत पसंद है। इनको जो है इनके नग जो है, इनका स्टोन जो लगे हुए हैं इनके ऊपर, वो बहुत ज़्यादा प्रिटी है और बहुत ही ज़्यादा पसंद है मुझे। ये देखिए ये भी बिल्कुल हल्के हल्के हैं, ये बिल्कुल भारी नहीं है, बिल्कुल भी इनके अंदर वजन नहीं है। और अब दिखाने जा रही हूँ मैं आपको, ये मैंने एक मेकअप लुक शेयर किया था आप लोगों के साथ, जब एक करवा चौथ पे पता नहीं कौन सा, उसमें मैंने ये पहने हुए थे, ये देखिए ये वही वाले हैं बैंगल्स, ये कलीरे वाले बैंगल्स, बहुत मतलब मैंने देखा बहुत लेडीज पहने हुए थी, तो मैंने सोचा मेरे पास भी होने चाहिए, तो मैंने भी एक लिया ये। तो आप लोग बताना आप लोगों को कैसे लगे ये मेरे बैंगल्स, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना।
और